नमस्कार, मैं हूं आजाद। एसडीएफ न्यूज में अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ स्वागत है आपका। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में देश भर में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के अलावा अरुणाचल प्रकरण पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रकरण के बाद विपक्ष लगातार जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साध रहा है और भाजपा पर अपने सहयोगी दल जेडीयू के पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगा रहा है, जबकि जेडीयू और भाजपा के नेताओं का कहना है कि इसमें बिहार पर असर नहीं पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त पीटी की आज परीक्षा हो रही है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के एग्जाम में शामिल होने की संभावना है। एक ही शिफ्ट में होने वाली परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। शिवहर, अरवल और शेखपुरा छोड़कर सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 500 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। तमाम जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियातों का ख्याल रखते हुए तैयारी की गई है। परीक्षार्थियों को केंद्र में एंट्री से पहले उनकी जाँच भी की जा रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अरुणाचल प्रकरण पर चुटकी लेते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर तंज कसा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में क्या प्रस्ताव लाएगी ये तो अलग बात है, लेकिन जेडीयू की हालत ऐसी है कि बीजेपी ने जेडीयू की फिर से ही जेडीयू को घायल किया है। मृत्युंजय तिवारी ने एक नए अंदाज में भाजपा और जेडीयू पर निशाना साधा। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी प्रस्ताव लाएगी, अब तो जेडीयू की हालत ऐसी हो गई है कि अब अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, तो जेडीयू क्या प्रस्ताव लाएगी? अब जो भी प्रस्ताव लाएगी, जेडीयू को जो आघात पहुंचाया है बीजेपी ने, जेडीयू के तीर से ही बीजेपी ने जेडीयू को घायल कर दिया है। अब इस जख्म पर जेडीयू किससे मरहम पट्टी कैसे करवाएगी ये जेडीयू सोचे, लेकिन अब तो जेडीयू के लोग गीत गा रहे हैं, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। अब जेडीयू को बर्बाद बीजेपी करेगी। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग से पहले जक्कनपुर पुलिस ने सोनू राज नामक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में पिस्टल समेत 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक वर्चस्व कायम करने को लेकर हर्ष फायरिंग का बर्थडे पार्टी का प्लान बनाया गया था। गिरफ्तार आरोपी पहले भी शराब पीने के मामले में जेल जा चुका है। नए साल में नालंदा समेत पड़ोस के 4 जिलों के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में वैक्सीन रखने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां से 4 जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी, जिनमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद शामिल है। सदर अस्पताल में वैक्सीन रूम, वैक्सीनेटर रूम में ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। वैक्सीनेटर रूम का निरीक्षण करते हुए नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि कोरोना वैक्सीन जनवरी से या प्रथम या फिर दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। सीतामढ़ी में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नानपुर के गौरी गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। गया भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा गया जिले के केदुई में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। शनिदेव मंदिर बाटा मोड़ के निकट करीब 1700 कंबल का वितरण किया गया। पूर्व कृषि मंत्री के साथ अंचलाधिकारी, नगरपुर पार्षद संतुल सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मन की बात खत्म होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मसले पर बीजेपी और जदयू का रिश्ता गहरा है। अरुणाचल की घटना का बिहार पर कोई असर नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी 2 स्तरों पर काम करती है, जिसमें संगठन और सरकार का स्तर शामिल है। अरुणाचल में जो हुआ उसके बारे में संगठन के राष्ट्रीय स्तर के नेता सोचेंगे, इससे बीजेपी और जदयू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकुड़ के साहेबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेस हाईवे पर बरमसिया गांव के समीप पिकअप वैन पलटने से एक 35 वर्षीय चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चालक का नाम दिलवर हुसैन बताया जाता है। घटना लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र की है। मृतक पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। छपरा स्थित माझी प्रखंड के गोबहरी पंचायत के सरयूपार गांव में छुट्टी पर आए सीआरपीएफ जवान की हृदयघात से मौत हो गई। हृदयघात से जवान की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। महेश सिंह के 84 वर्षीय पुत्र सुनील सिंह सीआरपीएफ के 84 बटालियन में कार्यरत थे।
5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से छुट्टी में घर आने के क्रम में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पटना में इलाज कराने के बाद वो घर गए। आज सुबह करीब 4 बजे हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। शव को अंतिम परीक्षण के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। गुमला के जारी प्रखंड में गोविंदपुर से रांची जा रही मंत्री नामक यात्री बस चैनपुर थाना क्षेत्र के टोंगो के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। 6 यात्रियों के घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल यात्रियों को ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू किया गया। सभी घायलों को इलाज हेतु चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। तो SDF न्यूज पर आपने देखा 10 बड़ी खबरें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए SDF न्यूज़।